गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। आज जो पहला QRM हम कवर करने वाले हैं उसका टाइटल क्या है? जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन। होपफुली इस टॉपिक के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते होंगे ना, बार बार पढ़ते रहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या? काफी कुछ जानते हैं ना आप इस टॉपिक के बारे में, तो क्लाइमेट चेंज क्या है अगर आपको डिफाइन करना हो? या फिर चलिए प्रीलिम्स में तो डिफाइन नहीं करना है, तीन चार आपको ऑप्शन ही मिल जाए और उनमें से ये कहा जाए कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की सही परिभाषा क्या है, तो क्या आप क्लिक करेंगे? क्या है सही परिभाषा? अच्छा, क्या सिर्फ मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हो रहे परिवर्तन को हम जलवायु परिवर्तन के तहत शामिल करेंगे? ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखिए। UNFCCC, ये क्या है? UNFCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही। तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन को परिभाषित किया है और इनका क्या कहना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले जलवायु परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन अगली लाइन देखना, ऐसी गतिविधियां वैश्विक वायुमंडल के संगठन को प्रभावित कर देती। इसका अर्थ क्या हुआ? आपको पता है वायुमंडल का अपना संगठन है, गैस है, सबकी अपना जो है परसेंटेज है जो पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के चलते वो जो संगठन है, वो जो परसेंटेज है, उसमें बदलाव आ रहा है। ठीक है, और ऐसे परिवर्तन तुलनात्मक समय अवधियों के दौरान आंकलित प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन के इतर या उसके एडिशन में घटित होते हैं। कि मानवीय गतिविधियों के चलते हो रहा है और प्लस प्राकृतिक गतिविधियों के चलते तो अपने आप क्लाइमेट चेंज होता ही रहा है। तो ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हैं। तो UNFCCC की जो है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट चेंज क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है, क्या वैश्विक तापन ही क्लाइमेट चेंज है? ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, वैश्विक तापन सामान्यतः आज के समय घटित हो रहा है तो उसका अर्थ हम क्लाइमेट चेंज ले लेते हैं, लेकिन वैश्विक शीतलन भी क्लाइमेट चेंज ही है। ये चीज आपको समझनी है कि सिर्फ तापमान बढ़े तभी क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। जो एक स्टैंडर्ड है, जो औसतन चला आ रहा है, उसकी तुलना में हम ये देखें कि तापमान में कमी आ रही है ना, शीतलन हो रहा है, तो वो भी क्लाइमेट चेंज है। तो इस टॉपिक के जो
फर्स्ट दो आप देखोगे ना हेडिंग है वो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उसमें उस तरह के क्लाइमेट चेंज की भी बात की गई है जिसमें क्या होता है तापमान बढ़ता है, और उस तरह के क्लाइमेट चेंज की भी बात की गई है जिसमें वैश्विक तापमान कम होता है या जिसे हम शीतलन के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत ही संक्षिप्त में हम इन सिद्धांतों को देख लेते हैं। ये सिद्धांत ये बताते हैं कि क्या कारण है जिसके चलते जलवायु परिवर्तन होता है। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, खगोलीय या कक्षीय सिद्धांत, क्या कहता है ये? मिलंकोविच सिद्धांत किसी ने पढ़ा है, ज्योग्राफी में है बेसिक, क्या कहता है मिलंकोविच सिद्धांत? सिद्धांत सिंपली ये कहता है कि जो है पृथ्वी की स्थिति में कुछ बदलाव होते रहते, खगोलीय स्थिति में कुछ बदलाव होते रहते, जैसे कि बहुत लंबे समय अंतराल में जो कक्षा है उसके आकार में भी हम देखेंगे कि बदलाव आएगा, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है उसमें भी बदलाव आएगा। तो इन सब बदलावों के चलते अभी जो पृथ्वी को सूर्यताप प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाले सूर्यताप में कमी या वृद्धि हो सकती है, और ये कमी या वृद्धि क्यों होगी, खगोलीय क्रियाओं के चलते, इसीलिए इसे खगोल या कक्षीय सिद्धांत का नाम दिया गया है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, और मिलंकोविच सिद्धांत के अनुसार यह स्थिति लगभग 1,00,000 वर्षों में बदलती है। इससे प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा में भी परिवर्तन होता रहता है जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये प्राकृतिक घटनाक्रम है, चलता रहता है, जिसके चलते पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाला सूर्यताप बदल जाता है। पृथ्वी की कक्षा कैसी है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, आप जरा उसे राउंड कर दो तो क्या तभी भी सूर्यताप की जो मात्रा है वो बराबर रहेगी, बल्कि वो बदल जाएगी। तो इन्हीं सब के बारे में फर्स्ट सिद्धांत बात कर रहा है। दूसरा सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, हैरी हैस ने सी स्प्रेड थ्योरी जिसे सागरीय अधोसल विस्तार का सिद्धांत कहा जाता है दिया, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत आता है। ये सारे सिद्धांत क्या बता रहे हैं कि महाद्वीपों और महासागरों के बेसिन में वितरण में होने वाले परिवर्तन से भी जलवायु परिवर्तन होता है, और यही तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं कि एक क्षेत्र है वहां पर इस तरह के जलवायु के साक्ष्य मिल रहे हैं, बल्कि अभी तो वहां पर उस तरह की जलवायु नहीं है, है ना। फिर हम प्रमाण खोजते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो महाद्वीप और महासागर हैं इनकी अवस्थिति अब से पहले भिन्न थी, यानी कि प्लेट है जो संचालित हो रही है, तो उनसे भी जहां जो स्थान पहुंच जाता उसी के अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है। तीसरा वायुमंडलीय संगठन में होने वाले परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत, वायुमंडल के संगठन का अर्थ क्या है, वायुमंडल में जो गैसेस मिलती हैं, नाइट्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, आर्गन है, CO2 है, सब है, तो ये सब भी क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती हैं। आज के समय में CO2 या और जो हरित गृह गैसें हैं हमें पता है कि क्लाइमेट को प्रभावित कर रही हैं। अच्छा, जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, TC चैम्बरलेन, ठीक है, ये सिंपल है, कुछ समझने का नहीं है इसमें। ज्वालामुखी राख का सिद्धांत, ज्वालामुखी की घटना होती है, ज्वालामुखी से राख निकलता है, अब ये जो निकलने वाला राख है ये क्या करता है, हाँ शीतलन, कैसे, जब ये राख ऊपर तक पहुंच जाता है तो क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो लघु सौर विकिरण है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, तो इससे पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्यताप कम हो जाता है। इससे कई बार ये स्थिति होती है कि अगर ज्वालामुखी स्ट्रोंग था तो उसके चलते 1-2-3 साल तक वैश्विक स्तर पर जितना तापमान होना चाहिए था उसकी तुलना में कम तापमान ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल 1991 में माउंट पिनट्यूबो वाला जो है आपने पढ़ा होगा, उसके चलते 1-3 साल तक जो है तापमान तुलनात्मक रूप से कम रहा है। और इसके अलावा फिर से एक ज्योग्राफी का सिद्धांत जिसे सौर कलंक का सिद्धांत कहते हैं, क्या है ये सिद्धांत कि सूर्य का जो बाहरी लेयर है उसमें हमें कुछ स्पॉट काले धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, सौर कलंक। ये सिद्धांत क्या कहता है कि ये जो सौर कलंक है ये अपना पूरी यात्रा कितने वर्षों में पूरा करते हैं, 11 वर्षों में, शुरुआत होती है सोलर मिनिमम से, मतलब जब ये धब्बे कम से कम होते हैं, धीरे धीरे ये पीक पर पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं।
अब इन धब्बों का या ये जो निशान है, कलंक है, इनका क्या लेना देना है? एक्चुअली जब ये सोलर स्पॉट होते हैं तो वो किस चीज को दिखाता है कि सौर ज्वाला अधिक तेजी से बाहर निकल रही है। तो जब ये सोलर स्पॉट मैक्सिमम की स्थिति में होती है तब ज्यादा से ज्यादा सूर्य ताप हमें प्राप्त होता है। तो ये सारे चीजें जो है चलती रहती हैं, मैक्सिमम की स्थिति में ही अधिकांश मिलता है ना, हमें पढ़ा है आपने। एक बार फिर से इसको चेक करना, इस फैक्ट को क्रॉस चेक करना, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्या हैं, जलवायु परिवर्तन के मोटा मोटा सिद्धांत, बहुत ही बेसिक हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर जलवायु परिवर्तन के वाहक के बारे में दिया गया है। तो इसमें कुछ कारण वही हैं जो ऑलरेडी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, मेनली इसमें मानव जनित कारण जो है वो इंक्लूड हो गए हैं। तो सबसे पहले सौर विकिरण में परिवर्तन, ये सौर कलंक का सिद्धांत है, कुछ नया नहीं है, यहां पर सेम वही बात लिखी हुई है, ठीक है, कि प्रत्येक 11 वर्ष में सौर कलंक की संख्या अधिकतम संख्या से न्यूनतम में बदल जाती है। सौर कलंक की सक्रियता अवधि के दौरान सूर्य थोड़ा अधिक विकिरण उत्सर्जित करता है। अभी आप लोगों को उत्तर मिला कि जब ये एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये स्पॉट बनना, सौर ज्वाला ज्यादा निकलती है उसका इंडिकेटर होता है। तो जो बाकी के क्षेत्र हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा चमकने लगते हैं कुछ क्षेत्रों की तुलना में, ठीक है। फिर भी एक बार आप लोग क्रॉस चेक अच्छे से कर लेना, ठीक है। दूसरा क्या है, भूपरपट्टी की प्लेटों का संचलन, जो भी महाद्वीपीय विस्थापन प्लेट विवर्तनिक सब सिद्धांत के माध्यम से समझा था कि वायु और सागरीय जल के वैश्विक परिसंचरण प्रतिरूप में परिवर्तन हेतु ये उत्तरदायित्व होते हैं कि कौन सी प्लेट कहाँ है, वो बहुत सारी जलवायु कंडीशंस को बदल देगी। एल नीनो दक्षिणी दोलन, ये यहां पर नया ऐड हुआ है। क्या है एल नीनो? दक्षिणी अमेरिका, पेरू की धारा ठंडी है या गर्म है, जब उसका स्थान कौन ले लेती है? एल नीनो की धारा। तो आप देखोगे कि इससे जो पूरा वायुमंडलीय परिसंचरण है और मुख्यतः प्रशांत महासागर में वही बदल जाता है, जहां पर लो प्रेशर जोन बनना चाहिए वहां पर हाई प्रेशर हो जाता है, जहां पर हाई प्रेशर होना चाहिए वहां पर लो प्रेशर बन जाता है। तो इससे जो वायु की दिशा थी वही बदल जाती, इसी को कहा जाता है इनसो एल नीनो सदरन ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रभावित करता है। कक्षीय परिवर्तन, यही मिलेंकोविच सिद्धांत जो खगोल के संदर्भ में हमने पढ़ा था ना पॉइंट, यहीं पर दिया गया है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट, किससे भी बहुत सारे गैसेस एरोसोल इत्यादि निकलते हैं और जब ऊंचाई तक ये पहुंच जाते हैं तो सूर्य किरणों को परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं और शीतलन प्रभाव पैदा होता है। यही सारी चीजें। अब हम मानव जनित कारकों पर आते हैं, ये तो सारे हुए प्राकृतिक कारक। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, मुझे बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक पॉइंट है कि विद्युत संयंत्र हमारे हो गए, इसके अलावा जो है वाहन इत्यादि, हर जगह से तो ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन हो रहा है। दूसरा क्या है, लैंड यूज पैटर्न चेंज। ये क्या है लैंड यूज पैटर्न चेंज? बिल्कुल, बेसिकली जैसे हम पहले लैंड को यूज करते थे उसके पैटर्न में अब बदलाव आ रहा है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, पहले भूमि के बड़े हिस्से पर वन थे, वनों का अपना प्रभाव था, अब हम काट कर वहां पर जो है नगर बसा रहे हैं, तो नगरों का अपना जलवायु पर प्रभाव होता है। इसके अलावा कार्बन सिंक, बिल्कुल बिल्कुल सही, कार्बन सिंक है वो कम हो जा रहा है। इसके अलावा अगर एक लैंड यूज है उसको हमने दूसरे में कन्वर्ट किया, तो एल्बिडो पता है ना कि सूर्य प्रकाश की कितनी मात्रा हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो एल्बिडो में भी चेंज हो जाता है। तो सारी चीजें किसको दिखा रही हैं कि लैंड यूज पैटर्न में चेंज होता है, उससे भी कितना सूर्य ताप हमें मिलेगा, कितना कार्बन सिंक क्रिएट होगा, सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो एनी हाउ ये भी क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, वनोन्मूलन या वनों की कटाई। अब ये तो बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है कि वन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन में वृद्धि या धान के खेतों में वृद्धि, क्या हो रहा है इससे? मीथेन गैस रिलीज होती है, और मीथेन आपको पता है उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 की तुलना में कितने अधिक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हम यूज कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है।
और इसके अलावा बहुत सारी आगे देखेंगे हम फ्लोरोनेटेड गैसें हैं, ये गैसें बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है CO2 की तुलना में 23,000 अधिक होती है। तो आप समझ लो कितनी खतरनाक ये गैसेस हैं। ये सारे जो फैक्टर है यहां पर जो आप देख रहे हो, इनमें बदलाव किसके चलते हो रहा है? ये सारे जो फैक्टर हम यहां पर देख रहे हैं, इनमें बदलाव किसके चलते हो रहा है? मानव के चलते। तो प्राकृतिक कारक जो अपने आप चल रहे हैं और मानव जनित कारक, दोनों से मिलकर क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब ये देखिए, ये सिंपल ज्योग्राफी में जो आप पढ़ते हैं कि वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना आखिर हो कैसे रहा है, तो सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम सौर विकिरण किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के बाद कुछ विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल और सतह से परावर्तित हो जाती हैं और अधिकांश जो है पृथ्वी की सतह या वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ये पूरा प्रक्रम आपने ज्योग्राफी में ऊष्मा बजट के नाम से सुना है ना, ऊष्मा बजट। तो उसमें क्या है कि इस तरह से शॉर्ट जो है लेंथ वाली वेव्स आ रही हैं, इनका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जा रहा है और कुछ हिस्सा वायुमंडल द्वारा और कुछ हिस्सा स्थल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि चलिए ठीक है, जो अवशोषित कर लिया गया है, जो अर्थ है वो रीरेडिएट करती है। कैसे? पृथ्वी की सतह पर जो हीट यहां पर मिली तो यहां से ऊष्मा फिर से रिलीज होती है वायुमंडल की तरफ। कैसे? इस समय ये दीर्घ इस तरह से, जिन्हें पार्थिव विकिरण भी कहते हैं, तो पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर जाने की कोशिश करती है। अब अगर यहां पर वायुमंडल क्लियर है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, जल वाष्प नहीं है, तो क्या होता? ये सीधा बाहर अंतरिक्ष में चली जाती और हमारा हीट बजट जो है वो क्लियरली मैनेज रहता। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस में क्या कैपेसिटी होती है कि यहां से जो पार्थिव विकिरण है उनको वो रीडायरेक्ट कर देती हैं, जिसके चलते जो हीट, जो ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जानी थी वो नहीं जा पाती है। यही आगे बताया कि कुछ अवरक्त विकिरण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और इससे पृथ्वी का निचला जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस के स्तर में वृद्धि हो रही है, जो अतिरिक्त ऊष्मा को अवरुद्ध कर पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है। तो सिंपल वही प्रोसेस कि शॉर्ट वेवलेंथ में जो है सूर्य विकिरण आ रही है वो क्लियरली पार करके आ जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही है, कुछ हमारा वातावरण और कुछ हमारा धरातल जो है अवशोषित कर लेता है। फिर पार्थिव विकिरण के रूप में उनको बाहर जाना था लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि मानवीय गतिविधियों के चलते हमारे वातावरण में जो गैसों का कंपोजिशन था वो बदल गया है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कंपैरेटिवली बढ़ रही हैं, तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि वो पार्थिव विकिरण को पकड़ लेती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पृथ्वी और उसके आसपास के क्षेत्र में उच्च तापमान बना रहता है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि बेसिक जो फिनोमिना है वही यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अब ग्रीन हाउस गैसेस के स्रोत क्या है, ये एक मोटा मोटा आइडिया दिया गया है वैश्विक स्तर पर कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कहां से, कौन सी एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल हैं, विद्युत और ऊष्मा जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आप देखोगे कृषि क्षेत्रक है, ठीक है, उद्योग क्षेत्रक है, परिवहन क्षेत्र है, अन्य ऊर्जा के स्रोत, खाद्य अपशिष्ट, भवन। तो एक बार इसे फ़ॉन्ट साइज बड़ा होने के चलते थोड़ा ब्लर दिख रहा है, आप लोग QRM जो आपके पास है उसमें देख लेंगे इसे अच्छे से। अब यहां पर आइए, ये है थोड़ा सा समझने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। किसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? ग्लोबल वार्मिंग, हाँ बिल्कुल। तो ऊष्मा को अवरुद्ध करने की क्षमता हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी गैस में सबसे पहले तो ऊष्मा को अवरुद्ध करने की कितनी क्षमता है,
और दूसरा समयावधि, ये दोनों ही मिलकर किसी भी गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं कि कितनी हीट वो ट्रैप कर सकती है और प्लस कितने साल तक वो वातावरण में बनी रहेगी। जैसे इसमें आप एग्जांपल देखिए, यहां पर पहले तो ये देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है वैश्विक तापन संभाव्यता या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को विभिन्न गैसों की वैश्विक तापन प्रभावों की तुलना के लिए विकसित किया गया कि किस गैस में कितनी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। अच्छा, इसके लिए एक मानक जो हम यूज करते हैं वो क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता को हम एक मानते हैं और उसके सापेक्ष फिर देखते हैं कि अन्य जो गैसेज हैं उनकी ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये यहां पर बताया गया है, किसी गैस की वैश्विक तापन संभाव्यता जितनी अधिक होगी वह एक निर्धारित समय अवधि में CO2 की तुलना में उतनी ही तेजी से पृथ्वी को गर्म करेगी या ठंडा करेगी, गर्म करेगी, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए सामान्य तौर पर हम समय अवधि कितनी लेते हैं, 100 वर्ष। तो बेस में हमारे होता है कार्बन डाइऑक्साइड और टाइम पीरियड हम कितना लेते हैं, 100। अब जरा सोचिए, किसी एक गैस का टाइम पीरियड 100 वर्ष है ही नहीं। लाइक मीथेन, मीथेन सामान्यतः कुछ 12 से 15 वर्ष की अवधि तक ही वायुमंडल में बनी रहती है। तो फिर हम इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हमने तो स्टैंडर्ड अवधि सामान्यतः 100 वर्ष ली है। इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों चीजें, सिर्फ ऊष्मा को अवरुद्ध करने की क्षमता ही नहीं बल्कि कितनी समावधि तक वो वायुमंडल में बनी रहती है ये भी जरूरी है। आप देखेंगे अगला चार्ट, ये देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हो कि मीथेन 12 ± 3 लगभग 12 वर्ष के आसपास वायुमंडल में बनी रहती है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 21। अच्छा, अगर जितनी अवधि तक जो है मीथेन बनी रहती है वायुमंडल में, अगर उस अवधि को हम जितनी है उतनी ही मानकर देखें, तो आप देखोगे कि मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ये तो हमने थोड़ा डाइल्यूट कर दिया इफेक्ट को, तब 21 आ रही है। क्यों आ रही है 21, क्योंकि हमने 12 वर्षों में जितना प्रभाव होना था उसको कम करके कितने तक फैला दिया, 100 वर्षों तक, है ना। तो यहां पर समय अवधि जरूरी है। अगर कोई गैस 10 या 12 वर्ष ही रह रही है तो फिर अगर हम 100 वर्ष पर उसका प्रभाव देखेंगे तो 10 वर्ष में जितना उसने किया उसको डिवाइड कर देंगे ना कि 100 वर्ष में, तो वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों चीजों को ध्यान दिया जाता है कि एक तो वो कितना हीट ट्रैप करके रख सकती है और दूसरा कितने समय के लिए वो वायुमंडल में बनी रहेगी। तो यही सारी चीजें हैं जो इस पीपीटी में यहां पर दिखाई गई है कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ध्यान रखना कितना ऊष्मा को अवरुद्ध करती है और कितनी समय अवधि के लिए बनी रहेगी, दोनों चीज मिलकर किसी भी गैस की CO2 की तुलना में जो वैश्विक ऊष्मन क्षमता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, उसे डिफाइन करती है, ठीक है। अब यहां पर यही दिखाया गया है, देखिए ग्राफ के माध्यम से, कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक मानते हैं तो मीथेन अलग अलग जगह पर थोड़ा अलग डाटा रहता है, बट मोटा मोटा 20 से 27, 28 तक के आसपास क्षमता किसकी रहती है, मीथेन की। नाइट्रस ऑक्साइड की देखो तो CO2 की तुलना में 300 गुना, और यहीं पर फ्लोरोनेटेड गैसों का एक समूह होता है उसकी तो और भी अधिक होती है, ठीक है। यहां पर देखिए सबका दिखाया गया है CO2, यहां पर हम जीवन काल 100 और इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसे एक मान रहे, क्योंकि इसी के सापेक्ष अन्य की तुलना कर रहे हैं। आगे दिए गया है स्रोत क्या है, मोटे मोटे स्रोत यहां पर दिए गए हैं, जीवाश्म ईंधनों का दहन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, तो सब CO2 का स्रोत है। अच्छा, मीथेन, मीथेन जीवन अवधि कम है लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है, देखिए जीवन अवधि कम होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा है। कहां से, धान के खेत या मवेशियों या अन्य पशुओं के मलमूत्र, दीमक, जीवाश्म ईंधन का दहन, लकड़ी, लैंडफिल साइट्स, सबसे मीथेन का उत्सर्जन होता है। लैंडफिल साइट्स क्या हैं? बेसिकली लैंडफिल साइट्स क्या है ना, कि आप देखोगे कि बहुत ऐसा गड्ढा सा बनाकर कचरा अवशिष्ट जो है वहां पर डंप कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है लैंडफिल साइट्स। जब वहां पर सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां प्रारंभ होती हैं तो धीरे धीरे मीथेन गैस वहां से रिलीज होती है। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड आप देखो 120 वर्ष और उसकी कितनी क्षमता है, 310 गुना ज्यादा, जीवाश्म ईंधन का दहन, उर्वरक प्रयोग। अच्छा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहां कहां यूज हो रही है, प्रशीतन, एयर कंडीशन, फोम्स, एयरशोल प्रणोदक, ये बहुत सारे काम हैं जहां से
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काफी चर्चा में रही है, कोई बता पाएगा क्यों हुआ ऐसा? कि गाली जो समझौता था उसमें इसको कौन से प्रोटोकॉल के तहत शामिल किया गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये याद था आप लोगों को कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये गैस काफी पॉपुलर है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आगे हम देखेंगे, अभी मैं सिर्फ ब्रीफ में बता देती हूँ कि पहले इस गैस का हमने इस्तेमाल क्यों शुरू किया। आप देखोगे ओजोन छिद्र हो रहा था, तो ओजोन छिद्र में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह की बहुत सारी जो है गैसेस उत्सर्जित होती थी, उनको हमें फेज आउट मैनर में बाहर करना था। तो उनके विकल्प के तौर पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लेकर आए, क्योंकि ये ओजोन हेतु क्षतिकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो रियलाइज होता है कि ओजोन हेतु तो क्षतिकारी नहीं है, बट इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रहे हैं। तो फिर किगाली जो समझौता है उसके माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसको भी अब फेज आउट मैनर से बाहर करना है। जो डेवलप्ड नेशन है उसके लिए टारगेट थोड़े जल्दी के थे, जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए टारगेट थोड़े डिलेड थे। तो इसकी क्षमता आप देखिए कितनी अधिक है, पर क्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, आप देखोगे कि इसकी कितनी अधिक जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, बट इस ग्राफ के माध्यम से बस ये देखने की कोशिश करना, एटलीस्ट अगर आपको क्रोनोलॉजी भी याद रहेगी तब भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा कि किसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितनी है। बाकी यही आगे बताया गया है कि कहां कहां से कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से ये सारी गैसेस वायुमंडल तक पहुंच रही है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें सिंपल ये था कि क्लाइमेट चेंज है क्या, कौन से प्राकृतिक कारण हैं, कौन से मानव जनित कारक हैं जो आज के समय में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर हमने कैसे लघु सौर विकिरण के माध्यम से हमें उष्मा प्राप्त होती है, सूर्यताप प्राप्त होता है, पार्थिव विकिरण, और कैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस उष्मा को अवरुद्ध करके ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार हैं। इसके बाद हमने इन गैसेस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को समझने की कोशिश की, जिसको डिफाइन किस आधार पर करते हैं, कितना उष्मा को ट्रैप करने की क्षमता और कितने समय के लिए वायुमंडल में बनी रहेगी। और हमने देखा कि आधार के तौर पर हम किसको यूज करते हैं, CO2 को, लगभग समय अवधि कितनी लेते हैं, 100 वर्ष, और उसी के आधार पर फिर जितना टाइम है चीजों को एडजस्ट करके हम ये निकालते हैं कि किस पर्टिकुलर गैस या गैस समूह की समय अवधि क्या है और उसकी उष्मा को अवरुद्ध करने की क्षमता क्या है, और उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितनी है। आगे बढ़े जी, हाँ अभी हम आएंगे आगे क्योटो प्रोटोकॉल पर। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पूरी एक लिस्ट ही आपके सामने आएगी, थोड़ी समय बाद कॉम्बैटिंग जो है हम क्लाइमेट चेंज देखेंगे, सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब वैश्विक तापन के प्रमाणन तो बहुत सारे हैं, एक बार ओजोन क्षरण वाली स्लाइड में आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि ऑल टुगेदर ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम सीधा क्लाइमेट चेंज के साथ चलते हैं, ये एंड में मैं आपको दिखाऊंगी, यहां से हम शुरू करते हैं जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम या क्या प्रभाव हैं। यहां से ओपन कीजिए। अब बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, जल चक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जल सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जल की कमी जिसका भी हम सामना कर भी रहे हैं, इसके अलावा कृषि फसलों और पशुओं के लिए जल की मांग प्रभावित होगी, ऊर्जा उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन धारा प्रवाह परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है जिससे जल विद्युत उत्पादकता प्रभावित होगी। अच्छा, नगरपालिका सेवाएं, क्योंकि आप देखोगे तापमान वृद्धि, शैवाल प्रफुष्टन, बहुत सारे टॉक्सिन्स वगैरह जो हैं वो पहुंच जाते हैं जल निकायों तक, तो हमें नई उपचार विधियों को लाना पड़ेगा, ये सब प्रभाव होगा। और मीठे जल पारितंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, क्यों पड़ेगा मीठे जल पारितंत्र पर प्रभाव? बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब बहुत सारे तरीके से हो सकता है, उसमें एक तरीका इन्होंने बताया, सीधी सी बात है। सबसे पहला, सबसे बेसिक, जब जो है
तापमान बढ़ रहा है तो वाष्पन भी तो बढ़ेगा, तो जल निकाय में जो उपलब्ध जल है वो कम हो जाएगा। दूसरा, जैसा कि इन्होंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाएंगे, और ग्लेशियर आप आगे देखेंगे आने वाले किसी क्यूआरएम में कि मीठे जल का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ग्लेशियर इत्यादि है। तीसरा, आप देखोगे कि क्लाइमेट चेंज के चलते महासागरीय जल का क्या हो रहा है, स्तर बढ़ रहा है, तो वो स्तर बढ़ता है तो जो तटीय क्षेत्रों में वो जल प्रवेश करता है, तो तटीय क्षेत्रों में जो मीठा जल था वो भी लवणीय जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मल्टीपल एंगल से आप देखोगे कि इससे जो है मीठे जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। तो जल की उपलब्धता प्रभावित हुई, कृषि भी प्रभावित होगी, जल विद्युत भी प्रभावित होगी, उद्योग भी प्रभावित होंगे, और मीठे जल की जो उपलब्धता है वो भी इसके चलते प्रभावित होगी। ठीक है, ये सिंपल से पॉइंट है। अब ये दिखाया गया है कि कैसे कंपैरेटिवली होटर और जो है बेसिकली ड्रायर तरह की कंडीशंस पैदा होंगी। ये सारी चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करती हूँ। ओके, सबसे पहले क्या है कि कहा क्या जा रहा है, हम बार बार पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते जो धीरे धीरे वर्षा हो रही है, ये प्रवृत्ति बदलकर क्या हो जाएगी, अचानक सडन और बहुत ज्यादा वर्षा होने की प्रवृत्ति, इसे हम क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, इंक्रीज इन रेनफॉल फ्रॉम हैवी प्रसिपिटेशन इवेंट्स, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा डिक्रीज इन रेनफॉल होगा, बीच बीच में जो रेनफॉल है उसके बीच जो सूखे के स्पेल्स नहीं आते हैं उनकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, स्नोफॉल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के चलते जीरो डिग्री से कम टेम्परेचर जाता है तभी स्नोफॉल की स्थिति में होता है ना, तो वो अवधि कम हो जाएगी, तो स्नोफॉल की जगह भी जो फॉल होगा वो किस रूप में होगा, जल इत्यादि के रूप में। तो जो ग्लेशियर्स अपने आप को फिर से पूरा कर लेते हैं ना, अपनी अवस्था में आ जाते हैं, वो चीज भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, पौधों के द्वारा क्या होगा, गर्मी की अवस्था में जो वनस्पति सब है उनके द्वारा ज्यादा जल का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, गर्मी अधिक है, तापमान अधिक है, तो अधिक वाष्पोत्सर्जन भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो यही सारी चीजें इस ग्राफ के माध्यम से दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ जल का तापमान भी बढ़ेगा, और जब जल का तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। पढ़ा है, जल का तापमान बढ़ता है तो जल में घुलित जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। अभी मैं आगे कुछ समय बाद बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, जब जल में CO2 का विलय होता है तो जो है महासागरीय अम्लता बढ़ जाती है। तो ये सारे प्रभाव जो है हमें जल क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेंगे। तो वनस्पति, जल क्षेत्र, ओवरऑल जो वर्षा इत्यादि का पैटर्न है, जो स्लो फॉल का पैटर्न है, ये सारी चीजें ही क्लाइमेट चेंज के चलते प्रभावित हो जाएंगी, हो नहीं जाएंगी बल्कि हो भी रही हैं। ठीक है, बीमारियों का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नई बीमारियां, वेक्टर बेस्ड जो डिजीज है वो जो है बढ़ जाएंगी, बहुत सारी और भी चीजें हैं। यहाँ पर सिर्फ क्लाइमेटिक फिनोमिना जो है सिर्फ उसको दिखाया गया था। चलिए, महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको तीन जो है पॉइंट्स में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो महासागर गर्म होंगे, दूसरा कुछ क्षेत्रों में अनोक्सी तरह की, मतलब जहां पर लो ऑक्सीजन है, इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होंगी, और तीसरा होगा महासागरीय अम्लता। तो सबसे पहले हम देखते हैं महासागरीय उष्णता, इसमें क्या होगा, एक बार मैं पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ। जलवायु परिवर्तन से घनत्व द्वारा स्त्रीकृत अधिक स्थिर परतों के निर्माण में वृद्धि होगी, यह महासागरों में ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। आप देखोगे वैसे तो तीनों पॉइंट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, पहली लाइन का किसी को अर्थ समझ में आया, स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ क्या है, ठीक है, देखिए सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, जल ऊपर से नीचे तक वर्टिकल अलग अलग लेयर्स में है, अलग अलग वहां पर आप देखोगे टेम्परेचर है, अलग अलग घनत्व है, जल अंदर तक विभाजित है, हम पढ़ते भी है ना वर्टिकल डिवीजन ज्योग्राफी में। अब प्रभाव क्या पड़ेगा कि अगर महासागरीय उष्मन हो गया तो इसका सीधा सा प्रभाव क्या पड़ेगा कि महासागरीय जल की जो ऊपरी परत है वो गर्म होकर जल क्या करता है, फैल जाता है ना। अच्छा, अब ऊपरी जो स्तर है ये महासागरीय जल का, ये हल्का होकर फैल गया है, नीचे कंपैरेटिवली अधिक डेंस तरह की लेयर्स हैं। अब पहले क्या हो रहा था, जब नॉर्मल तापमान था, ज्यादा महासागरीय उष्मन नहीं हो रहा था, तो ऊपर और नीचे का जो जल है वो आपस में
मिल जा रहा था, क्योंकि जो लेयर्स थी उनमें घनत्व का अंतर उतना ज्यादा नहीं था। अब जो ऊपरी लेयर है ना, उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने के चलते फैल गया जल, घनत्व अत्यधिक कम हो गया जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनकी तुलना में, तो जो वाटर की मिक्सिंग थी वो फिर नहीं हो पाती है। इसी को कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन या स्थिरीकरण होना। तो इसने किस चीज को रोका, जल अब मिश्रित उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा जितना पहले हो रहा था। अब हमें क्या फर्क पड़ता है जल मिश्रित हो या ना हो, हमें फर्क इसलिए पड़ता है कि जल के जो ये मिश्रण की प्रक्रिया है, इसी में जो नीचे वाली लेयर है महासागरों में, उन तक ऑक्सीजन पहुंचती है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो स्रोत हैं वो सिर्फ ऊपरी स्तर तक ही सीमित हैं। ऑक्सीजन के स्रोत क्या हैं, ऊपर फाइटोप्लैंकटन हैं, पलवक हैं, वो क्या करते हैं, O2 का उत्सर्जन करते हैं ना, हमने पढ़ा है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो एक तो स्रोत हुआ ये, दूसरा जो मेन स्रोत है ना वो है कि यहाँ आसपास की वायु के संपर्क में आने से ऊपर वाली लेयर में वायु से क्या चली जा रही है, ऑक्सीजन चली जा रही है। तो ये मेन स्रोत यही है, वायु से, वायुमंडल से संपर्क के चलते। अब आप देख रहे हो मैक्सिमम ऑक्सीजन के स्रोत थे वो कहाँ है, ऊपर वाली लेयर में। अब जब मिश्रण ही बंद हो गया है जल का ऊपर से नीचे तक, तो क्या ये ऑक्सीजन नीचे पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। और नहीं पहुंच पाएगी तो कुछ जो है मीटर नीचे जो जल था उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो किस तरह की दशाएं होंगी, इन्हें हम क्या कहते हैं, अनॉक्सी तरह की दशाएं। तो जिसके चलते ये जो थोड़ा गहराई वाला जल है इसमें जो जीवन था वो प्रभावित होने लगेगा। तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है, चीजें जुड़ी हुई हैं कि तापमान बढ़ेगा तो लेयरिंग होगी, स्ट्रेटिफिकेशन होगा, जिसके चलते जल का मिश्रण नहीं होगा, और मिश्रण नहीं होगा तो चूंकि ऑक्सीजन ऊपरी स्तरों तक ही ज्यादा पहुंच पा रही है तो नीचे के स्तरों तक वो नहीं पहुंच पाएगी, तो ऑक्सीजन न्यूनता वाले क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल डेड जोन बनेंगे इससे, डेड जोन। अभी मैं बताऊंगी कि ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, चलिए देखेंगे अभी कुछ समय बाद। मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पर लिखा क्या गया है, अधिक गर्म, कम ऑक्सीजन और अम्लता। आगे कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ देखते हैं जीवाश्म ईंधन के दहन, वनोन्मूलन, कृषि, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ऊष्मा अवशोषक गैसें हमारे वायुमंडल में पहुंचती हैं, इससे ग्रह गर्म हो रहा है। महासागरों ने आप देखोगे उष्मा का अधिकतम भाग जो है अवशोषित कर लिया है। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। समुद्र में जब जल के तापमान में वृद्धि हो रही है तो उसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, समुद्री स्तर में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अच्छा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि के दो महत्वपूर्ण कारण है। देखो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। दो कारण कौन कौन से हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो बर्फ पिघल रही है वो महासागरों तक पहुंच रही है, और दूसरा जिसे कहा जाता है तापीय प्रसार। किसी ने सुना है तापीय प्रसार? हाँ बिल्कुल। तापीय प्रसार इसमें क्या है, जो अभी बताया था कि जल गर्म होकर क्या होता है, हल्का होता है, हल्का होकर फैल जाता है। तो ये भी कारण है जिसके चलते समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। और ऐसा जो है कहना है कि जो हमारा है, मतलब कौन सा महासागर है हमारे पास, हिंद महासागर ना, हिंद महासागर के संदर्भ में कहा जाता है कि हिंद महासागर में समुद्री जल स्तर में वृद्धि का प्रमुख कारण तापीय प्रसार है। ठीक है, इसके अलावा विरंजन, कोरल विरंजन क्या है, हाँ बिल्कुल, प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं, पॉलिप और जुंगसांथलाई शैवाल है। ठीक है, दोनों का जो सहसंबंध है उसी से उनका अस्तित्व बना रहता है। जब तापमान बढ़ता है तो उसके चलते क्या होता है कि पॉलिप अपना अस्तित्व कुछ समय के लिए बचाए रखने के लिए जुंगसांथलाई को अपनी सतह से उतार देता है। उसी के चलते, शैवाल के चलते उसका रंग हरा था, वो रंग हरा समाप्त हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग। लेकिन इसके बाद क्या होता है, उस शैवाल से ही पोषक तत्व थे जो पहुंच पा रहे थे वो बाधित हो जाते हैं, जिससे कोरल का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। बहुत सारे विषाक्त तरह के शैवाल होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के चलते इनकी भी उत्पत्ति होती है।
इसके अलावा पर्यावास ऑक्सीजन का निम्न स्तर कुछ समुद्री जीवों का दम घोट देता है। और निम्न स्तर क्यों होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि जल का मिक्सअप नहीं हो पाता, जिसके चलते नीचे वाली लेयर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अम्लीकरण हो जाता है। अम्लीकरण कैसे होता है? जब जल में CO2 मिलती है तो किसका निर्माण करती है? अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। अब अम्ल आप देखोगे जो कैल्शियम पर निर्भर जीव हैं, वो अपने जो है तंत्र वगैरह, अपनी खखोल वगैरह किससे बनाते हैं? कैल्शियम से बनाते हैं, तो उनका विकास संभव नहीं हो पाता। और मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा, आजीविका सब पर प्रभाव पड़ता है, किसके चलते? महासागरीय जल के उष्मन के चलते। मत्स्य पालन कैसे प्रभावित होगा? नहीं, ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वो है जहां अधिकतम मत्स्य संसाधन मिलते हैं, जहां गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं, लेकिन बाकी भी जो कोस्टल जोन है जहां ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है, वहां पर भी तो मत्स्य संसाधन मिलते हैं ना, तब प्रभाव कैसे होगा मत्स्य संसाधन पर? ठीक है, डाप आएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो एक तो ऑक्सीजन का कम होना, दूसरा एक इसका साधारण सा कारण है कि होता क्या है, तापमान जब बढ़ता है तो हर एक प्रजाति एक लेवल तक ही टेम्परेचर को लेकर कंफर्टेबल होती है। अब आप जरा देखिए 15-20 जो हमारे लगभग अक्षांश है, वहां पर टेम्परेचर उतना हो गया जितना कि पहले 8 से 10 डिग्री अक्षांश तक होता था, समझ रहे हो? तो ये जो प्रजातियां हैं फिर ऊपर की तरफ स्थापित हो जाएंगी। ये सारे डायग्राम आपने देखी होंगे ना, कि ऐसे एक नेट बनाकर मत्स्य दिखाए गए हैं कि कैसे नीचे वाली प्रजातियां ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर और कंडीशन पहले नीचे वाले अक्षांशों में मिलती थी वो उनसे कहीं ऊपर वालों में मिलने लगी है। तो इस तरह कहां पर किस प्रकार का मत्स्य संसाधन मिलेगा ये भी इससे प्रभावित होगा। तो अगर मत्स्य संसाधन प्रभावित है तो खाद्य सुरक्षा सब प्रभावित हो ही जाएगा। अगला है महासागरीय अम्लीकरण, पढ़िए जरा, रिलेटेड है। अब महासागरों में CO2 घुलता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है। और जब अम्लता बढ़ती है तो उसका प्रभाव क्या क्या होगा? ये देखिए, पारितंत्रीय सेवाएं बाधित हो जाएंगी। कोरल सीप जो अभी मैंने बताया था, अम्ल अगर होता है तो इनका कंपोजिशन सही से नहीं हो पाता, प्रजातियों की वृद्धि, प्रजनन बाधित हो जाएगा, क्योंकि हर एक प्रजाति अलग अलग तरह की कंडीशन को लेकर कंडीशनड होती है। अधिक अम्ल, अधिक उष्मन हो सकता है, कुछ प्रजातियां उसके साथ अपने अस्तित्व को ना बना के रख पाए। तो ये सारे प्रभाव हमें अम्लीकरण के देखने को मिलते हैं। अब आगे वही बताया गया है, वी ऑक्सीकरण, और बड़े ही अच्छे से ग्राफ के माध्यम से इसे दिखाया गया है। वी ऑक्सीकरण में बताया तो यही गया है कि ऑक्सीजन में कमी वाले क्षेत्र, इन्हें हम क्या कहते हैं, अनॉक्सी वाटर के रूप में जाना जाता है। ये प्रमुख समुद्री जल के गर्म होने के कारण, डिगैसिफिकेशन और परतों के स्थिर स्त्रीकरण के कारण इंटरमिक्सिंग नहीं होने के चलते बनते हैं। तो पूरी बात वही है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि गर्म होता है, लेयर बन जाती हैं, इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती, जिससे जल में अनॉक्सी तरह की दशाएं पैदा हो जाती हैं। इसी चीज को देखिए यहाँ पर बताया गया है इस ग्राफ के माध्यम से। एक वो साइड है, एक ये साइड। इसमें क्या है, अपर ओशियन वार्मिंग ने जो है किसको, विलय होने की क्षमता को घटा दिया है। अच्छा, आप एक चीज और भी देखोगे जो मैंने अभी भी आपको बताई थी कि सिर्फ मिक्सिंग ही बाधित नहीं होती। अच्छा, गर्म जल, ये तो सामान्य विज्ञान के रूल हैं, गर्म जल या ठंडा जल, किस तरह के जल में ऑक्सीजन का विलय ज्यादा अच्छे से होता है? ठंडे जल में। जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जल की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो अब एक बार दोनों डायमेंशन को देखना, एक तो तापमान बढ़ने के चलते ऑक्सीजन जो है वो कम होल्ड कर पा रहा है जल ना, विलय कम कर पा रहा है, और जो की वो भी ऊपर वाली लेयर तक ही रह गई, अंदर इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाई। तो दोनों ही कारणों से फाइनली क्या हो गया कि निचले वाले स्तरों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, तो अनॉक्सी तरह की दशाएं पैदा हो गई। और दूसरा, अनॉक्सी तरह की दशाएं पैदा होती हैं मानव जनित सुपोषण के चलते। यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस सुनी है, क्या होता है यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस में?
जो जलीय निकाय हैं, जिसमें तटीय महासागरीय क्षेत्र भी हो सकते हैं, तालाब, झील, कुछ भी हो सकता है, अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि पहुंच जाती हैं। इनके पहुंचने से वहां पर बहुत ज्यादा शैवाल में वृद्धि होती है। शैवाल में वृद्धि होने के दो प्रभाव होते हैं। ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये पूरी ग्रीन हो जाने से सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। अच्छा, ये लेयर पूरी ग्रीन कवर हो जाने के चलते यहाँ पर आप देखोगे कि वायुमंडल से जो ऑक्सीजन मिलती है वो भी तुलनात्मक रूप से जल में कम घुल पाती है। अच्छा, जो एल्गल ब्लूम हुआ, बहुत सारी मात्रा में शैवाल उत्पादित हो गए, किसके चलते? पोषक तत्व पहुंचने के चलते। अब इन शैवालों की मृत्यु भी होगी ना, डिके भी होगा, और अपघटन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो इनका जब अपघटन होगा तो अपघटन के लिए हमें चाहिएगा ऑक्सीजन। जल में जो घुलित ऑक्सीजन है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीओ, डिसॉल्वड ऑक्सीजन, वो तो जितनी है उतनी ही है, पहले भी इतनी थी। अचानक से बहुत सारी गतिविधियों के चलते, अपघटन के चलते ओडी बढ़ गया है। डीओ स्थिर है लेकिन ओडी बढ़ गया है। ओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके चलते क्या होगा कि जल निकाय में जो ऑक्सीजन थी वो कम हो जाएगी, और जल निकाय को सस्टेन करने के लिए एक लेवल तक ऑक्सीजन का स्तर चाहिए। उससे ज्यादा अगर ऑक्सीजन कम होती है तो फिर उसका प्रभाव क्या होता है कि जल निकाय में जो अन्य जीव है उनकी मृत्यु होने लगती है। कई बार आपने छोटे छोटे जल निकाय अपने गांव एरिया आसपास देखे होंगे, बड़ी सड़न होती है, उनमें बदबू होती। क्यों होती है बदबू? है तो इसका सिंपल सा कारण है कि वहां अनॉक्सी तरह की दशाएं हो गई, ऑक्सीजन कम है, इसलिए वहां पर अपघटन नहीं हो पा रहा। तो जो भी मृत जैविक पदार्थ है वो वहां पर सड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका ओवरऑल प्रभाव क्या है कि धीरे धीरे ये जो जल पारितंत्र है ये नकारात्मक ढंग से प्रभावित होने लगेगा, मृत पदार्थ तेज गति से यहां पर जमने लगेंगे, और ये झील समय से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी। इसे हम कहते हैं अर्ली एजिंग। अगर अपने टाइम से चलती तो धीरे धीरे शैवाल या जीव मरते, धीरे धीरे नीचे जमते रहते, बट अचानक से बहुत शैवाल ग्रो कर गया, वो नीचे इसकी जो तली है उसमें जमेगा, और झील कैसी होती चली जाएगी? उथली होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हो कि अनॉक्सी तरह की दशाएं किस तरह से जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। अब चाहे ये दशाएं किसके चलते हो, टेम्परेचर बढ़ने के चलते जो है ऑक्सीजन में कमी होना हो, या फिर पोषक तत्वों के पहुंचने के चलते जो है जलीय निकायों का सुपोषण होना हो, दोनों का आउटकम एक ही है। आउटकम क्या है? O2, ऑक्सीजन का गिरता स्तर। ठीक है, तो इस तरह का जो पूरा फिनोमिना है वो काम करता है। अच्छा, मैंने एक कंसेप्ट और बताया था आपको, ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम। कोई बताएगा, किसी ने पढ़ा है? आप देखोगे कुछ समय पहले, एग्जैक्टली तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, बट एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो है ये जो ऑक्सीजन की कमी है उसको लेकर मतलब काफी अलार्मिंग स्थिति बताई गई थी, और वहां पर ये चर्चा में आया था ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम। चलिए आप लोग थोड़ा सा कल्पना कीजिए, विश्व मानचित्र की कल्पना कर पा रहे हैं? महासागरीय धाराओं के बारे में जानकारी है, तो आप देखोगे कि लगभग भूमध्य रेखा के दोनों तरफ महासागरीय धाराएं कैसी चलती हैं, कहां से कहां चलती हैं, महाद्वीपों के कौन से कोनों से कौन से कोनों पर चल रही हैं, पूर्व से कहां जा रही हैं, पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो वो जल को ऊपर से पूर्व से पश्चिम की तरफ ले गई, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नीचे से धाराएं ऊपर भी आती है ना, ये पूरा फिनोमिना पड़ा होगा ना, इसी को कहा जाता है अपवेलिंग सिस्टम। मतलब नीचे से जल ऊपर की तरफ आ रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि जहां पर जल नीचे से ऊपर की तरफ आता है उसके क्या फायदे होते हैं, पोषक तत्व होते हैं ना, मत्स्य उत्पादन के लिए वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये तो उस जल का पॉजिटिव है, लेकिन उसका नेगेटिव भी है। जैसा मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन अधिकांशतः कहाँ है,
ऊपर की लेयर में। तो जल जल नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है उसमें पोषक तत्व तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है या बहुत ही ना के बराबर कम मात्रा में है। पहले स्थिति फिर भी ठीक थी, क्यों ठीक थी, क्योंकि उतना ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई थी, जो स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस है वो उतना नहीं थी, तो मिक्सिंग होकर कहीं ना कहीं वहां तक ऑक्सीजन पहुंच जाती थी। अब जो ये अनॉक्सी दशाओं वाली बात हुई है, रिपोर्ट में सामने क्या आया है कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं वो कौन से हैं, ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम के तहत आने वाले जो जलीय क्षेत्र हैं वो। और क्यों है, क्योंकि पहले ही वहां पर प्राकृतिक कंडीशन ऐसी थी कि ऑक्सीजन कम थी, और अब जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसने वहां पर ऑक्सीजन के अस्तित्व को और भी संकट में डाल दिया है, जिसके चलते वहां पर जो मत्स्य संसाधन या अन्य जीवों के विकास की संभावना थी वो बाधित हो रही है। और धीरे धीरे भविष्य में अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह होता रहा और उसके चलते ऑक्सीजन जलीय निकाय में अगर कम होता रहा तो दशाएं और भी खराब हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा उस रिपोर्ट में जो चिंता जताई गई वो किसके बारे में है, ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम। तो ये वैसे भी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में बेसिक में आई थिंक कवर होता है, तो पता था आप लोगों को, अगर नहीं पता था आप इसे लिखिए, ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, सिर्फ मैप देख लेना, जो मैंने बताया है वो याद कर लेना, चीजें पिक्चर देखते हैं क्लियर हो जाएंगी। ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग, ईस्टर्न बाउंड्री, EASTERN, ईस्टर्न बाउंड्री, BOUNDARY, अपवेलिंग, PWELLING सिस्टम। ठीक है, एक बार इसको देखना, पिक्चर देखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऊपर की तरफ जल आ रहा है, हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है, ये सीधा धाराओं से ही जुड़ा हुआ ना, कि वो जल ऊपर वाला ले गई, नीचे वाला जल ऊपर आ गया, जल स्तर में अंतर के चलते ऊपर आया तो उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन कम थी। लेकिन अब ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि एक रिपोर्ट आई जो ये बता रही है कि बहुत ज्यादा अनॉक्सी तरह की दशाएं हो रही है, और सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है ना ऑक्सीजन की कमी की वो कौन से क्षेत्रों में है, ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम, जहां पर ऑलरेडी काम कर रहा था, जहां ऑलरेडी ऑक्सीजन कम थी वो क्षेत्र इससे और भी अधिक प्रभावित होंगे, सिर्फ इसलिए ये और चर्चा में रहा। ठीक है, रिपोर्ट तो मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही, थोड़ी देर बाद में एक बार देख के बता दूंगी। खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हमने कृषि जल पर प्रभाव देखा, उसके बाद हमने किस पर प्रभाव देखा, महासागरों पर प्रभाव देखा, अब हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो सारी बहुत ही साधारण सी बातें, कुछ भी इसमें ज्यादा तकनीकी तरह का नहीं है, जैसे तापमान, वर्षण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सारी ही चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, तो इसके चलते मृदा की उर्वरता, सिंचाई और जो है बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दिया गया है कि क्या क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, बहुत सारी हीट वेव्स देखने को मिलेंगी, सूखा होगा, मृदा अपरदन होगा, ठीक है, क्षोभ मंडलीय ओजोन जिसे हम क्या कहते हैं बुरा ओजोन, उसके स्तर में बढ़ने की संभावना है, खरपतवार बढ़ेंगी, कीट बढ़ेंगी, पौधों में रोग देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये तो सीधा कृषि पर प्रभाव है, जो है वो खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन होगा, वो अलग है कि मूसलाधार बारिश, कभी चक्रवात बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा जो है मौसमी परिवर्तन होंगे, भूमि में जल भराव हो सकता है, मृदा अपरदन हो सकता है। तो ये सारी चीजें अंततः मिलकर करेंगी क्या, उत्पादकता को प्रभावित करेंगी, और अगर उत्पादकता प्रभावित होगी तो खाद्य सुरक्षा तो प्रभावित होगी होगी। और ध्यान रखना, ये सारी चीजें सिर्फ उत्पादकता को प्रभावित नहीं करेंगी, बल्कि जो खाद्य पदार्थ है उनकी क्वालिटी को भी प्रभावित करेंगी। जो रोग पीड़ित अगर खाद्य पदार्थ आ रहा है तो आप देखोगे कि उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो खाद्य की जो पोषक तत्व गुणवत्ता है उसको तो प्रभावित करेंगी ही, खाद्य की उपलब्धता कितनी होगी उसे भी प्रभावित करेंगी। तो बहुत ही साधारण सी चीजें हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा, ये देखिए,
समुद्र के बढ़ते जल स्तर से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों में अनुकूलन करना पड़ेगा। और अनुकूलन जब भी हम करते हैं, यानी जो स्थिति है उसके प्रति हम एडजस्ट कर जाएं, तो उसके अपने कॉस्ट होते हैं, अपनी लागत होती है। दूसरा, गर्मी के कारण लोगों की जो कार्य करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। गर्मी में पढ़ने का मन करता है? वैसे करता है? तो तुलना तो उसी से होगी ना। तो बेसिक मोटा मोटा ये कि गर्मी के समय व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। सीमित संसाधनों तक पहुंच होगी, क्योंकि आप देखोगे खाद्य पदार्थ भी सीमित हो गए और संसाधन भी सीमित हो रहे हैं, तो फिर लोगों में संघर्ष होगा। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है ताजे जल की आपूर्ति में कमी, और शहरों में तो हो ही रहा है। कैंप टाउन आपने सुना होगा, हमारे यहाँ कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा, बिल्कुल चेन्नई, बेंगलोर, सब में आप देखोगे कि जल को लेकर क्राइसिस की स्थिति रहती है। तापमान बढ़ने से बीमारियां भी फैलती हैं, चरम मौसमी घटनाएं होंगी, और जब भी इस तरह की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग प्रभावित होता है? जो गरीब है। अगर गर्मी बढ़ी तो जिनके पास संसाधन है वो तो एयर कंडीशन का सहारा लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? जो गरीब समुदाय है। तापमान बढ़ने के चलते अगर खाद्य उत्पादन कम हो गया तो जिनके पास संसाधन है वो महंगे दाम में भी खरीद लेंगे। अगर किसी की खाद्य सुरक्षा संकट में आएगी, सबसे पहले तो वो किसकी आएगी? जो निम्न स्तर पर जो लोग रह रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है उनकी। फसल की घटती उत्पादकता के कारण बुनियादी खाद्य पदार्थ और उपभोक्ता की वस्तु जो है उनकी कीमत, यानी इन्फ्लेशन हो जाएगी। उत्पादकता में कमी हो सकती है, और तटीय क्षेत्र में रह रहे जो शहर हैं, जिनका आवास है तटीय क्षेत्र, ठीक है, वहां पर तो हो सकता है कि पूरे के पूरे शहरों को ही विस्थापित करना पड़ जाए, या बड़े हिस्से को विस्थापित करना पड़ जाए, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में जल का स्तर बढ़ रहा है और बढ़कर वो भूमि का अतिक्रमण कर रहा है। तो ये सारी सिंपल सी चीजें, क्योंकि ये डायरेक्ट सारे सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसलिए इसको सामाजिक आर्थिक प्रभाव के तहत रखा गया है। किसी भी स्पीसीज पर पड़ सकता है, चाहे वो इनविजिव हो या किसी भी प्रकार की हो। जो प्रभाव की संभावना है वो मैं बताती हूँ। देखिए, जो इनवेजिव स्पीसीज हैं उनको हम इनवेजिव या आक्रामक स्पीसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें अनुकूलन की क्षमता अत्यधिक होती है, और जिस भी क्लाइमेटिक कंडीशन में या एरिया में वो पहुंची, वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेती हैं और तेजी से अपना प्रसार जो है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना जारी रखती हैं। अब कंपैरिजन करके मैं बताती हूँ। एक कोई स्थानीय स्पीसीज है जो वहां के स्थानीय वातावरण के प्रति अनुकूलित है। ज्यादा बड़ा जो चेंज अगर होता है तो उस चेंज को वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, बट आक्रामक प्रजातियां कर जाएंगी। तो इसका एक आउटकम क्या हो सकता है कि जो ऐसी प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष के लिए ही बनी थी, अगर वहां की कंडीशन चेंज हो गई तो उनके अस्तित्व पर संकट आ सकता है, और आक्रामक प्रजातियां उनका स्थान ले सकती हैं, क्योंकि उनमें अनुकूलन क्षमता अधिक है। बाकी तो फिर कौन सी प्रजाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बहुत ही अंडर रिसर्च और डेवलपमेंट है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि आक्रामक में भी सभी पर यही प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जो अनुमान है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और जेंडर सुरक्षा, क्या इनमें भी कोई तालमेल है? क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं क्या प्रभाव है। सही बताया आपने कि जो महिला और बच्चे हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा प्रभावित होते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी बड़ा बदलाव हो जो नकारात्मक हो, जो वनरेबल ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इवन महिला बच्चों के साथ जो वृद्ध समुदाय है आप उसे भी शामिल कर सकते हो। देखिए, इसमें कारण भी है। लैंगिक मापदंड और शक्ति गतिशीलता महिलाओं तथा पुरुषों के शारीरिक खतरों और जोखिम से निपटने की क्षमता को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। कैसे? प्राकृतिक संसाधनों तक किसकी कितनी पहुंच है, आर्थिक परिसंपत्तियों पर किसका अधिकार है, कौन इजीली माइग्रेट कर जाता है, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। कि कुछ भी हुआ, क्लाइमेट चेंज ही हुआ, कहीं माइग्रेट करना है, मेनली कौन कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, महिलाओं के पास कोई असेट नहीं है, क्योंकि अगर आर्थिक संसाधन भी आपके पास कम है तो वो भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने की आपकी क्षमता को कम करते हैं। बच्चे तो डिसीजन में आप देखोगे मैक्सिमम इंक्लूड
होते ही नहीं है। तो जिनके पास संसाधन कम है, संसाधनों पर नियंत्रण कम है, जिनकी निर्णय निर्माण क्षमता कम है, वो प्रभावित होगा। और इसका बहुत ही साधारण सा कारण तो आप ये भी देख सकते हो कि घर के कार्य किसको करने होते हैं, सामान्य व्यवस्था में महिलाओं को करने होते हैं। अच्छा, जल की व्यवस्था किसको करनी होती है, महिलाओं को। तो राजस्थान का वो पिक्चर आपको याद होंगे कि कितने किलोमीटर तक महिलाएं जल लेने के लिए जाती हैं। अब जब वो सर पर मटका रखकर जल लेकर आ रही हैं, तो उसे कितना समय लगता है, उनका कितनी एनर्जी उनकी लगती है, जो कार्य वो और कुछ कर सकते थे उस समय को वहीं पर समाप्त कर देने। तो कहीं ना कहीं उन पर कार्य भार जो है वो बढ़ रहा है, उनके लिए जो समय बच सकता था वो नहीं बचता, उनके पास समय नहीं बच रहा तो वो बच्चों पर उतना समय नहीं दे पाती। तो एनी हाउ चीजें साइक्लिक वे से एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जल की कमी से महिलाओं में लैंगिकता आधारित हिंसा का खतरा बढ़ता है। कारण क्या है इसका, खेती कर रहे हो आप, खेती में अच्छी फसल नहीं मिली, उपज प्रभावित हो गई, तो सामान्यतः उसका क्रोध किस पर जाता है, महिलाओं पर। यही इसका कारण यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा कमजोर आजीविका के कारण पुरुष कई बार नकारात्मक तरह के जो ग्रुप हैं उनका हिस्सा भी बन जाते हैं, जैसे सशस्त्र तरह के बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं, तो उसका भी प्रभाव अंततः संघर्ष और हिंसा ही होता है। अच्छा, सूखा पशुचारी प्रवासन पैटर्न को बदल सकता है, इससे परिवार विभाजित हो जाते हैं और महिलाओं पर बोझ बढ़ जाता है। कैसे, कहीं पर पशु चारण होता था, पुरुष पशुओं को लेकर निकल गए, घर के सारे कार्य का बोझ किस पर आ गया, महिलाओं पर आ गया। अब ये सारे कार्य पुरुषों को असुरक्षित भी करते हैं, तो उनके जीवन पर भी संकट हो सकता है, तो भी सारा बोझ अंततः किस पर आएगा, महिलाओं पर ही आएगा। आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ महिला पुरुषों में से जीवन प्रत्याशा किसकी अधिक है, महिलाओं की। तो सारे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अब एक्चुअली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या परिणाम, उसमें से लैंगिक हिंसा। तो आपको लगेगा अगर आप डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे तो अरे जलवायु परिवर्तन से कैसे लैंगिक हिंसा होती है, तो एटलीस्ट अब आइडिया होगा ना कि एक चीज के बहुत दुर्गामी प्रभाव भी हो सकते हैं। तो अगर कोई ऑप्शन आए तो आप सोचने की कोशिश करेंगे, बाकी इससे ज्यादा यहाँ पर कोई इस्तेमाल होने वाली जानकारी नहीं है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए, मानवीय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। एयर पोल्यूशन होगा तो बड़ी सारी श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। अच्छा, वेक्टर जो है उन पर आधारित बीमारियां बढ़ जाएंगी। इसके अलावा एलर्जी जो है वो बढ़ जाएंगी। जल की क्वालिटी बढ़ जाएगी तो जल के चलते होने वाले जो रोग हैं, हेजा इत्यादि सब बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर जलवायु परिवर्तन के चलते जल की गुणवत्ता और खाद्य की उपलब्धता कम हो गई तो कुपोषण की समस्या देखने को मिल सकती है। पर्यावरण को अगर कोई भी क्षति होती है तो माइग्रेशन हो सकता है, लोगों के बीच तनाव, संघर्ष, क्योंकि संघर्ष का सबसे बड़ा कारण क्या है, सीमित संसाधन उनको प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी के चलते आप देखोगे राष्ट्रों को देखना, कभी जल को लेकर विवाद चलते रहते हैं, राज्यों के बीच देखना, भारत में भी नदी जल वितरण को लेकर बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं। और जब जल और भी सीमित हो जाएगा तो आप जरा देखना उन शहरों सबकी पिक्चर जहां ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव हो जाता है, जल के टैंकर कुछ भी आ रहे हैं तो लोग कितना संघर्ष करके जल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हर जगह केंद्र में क्या है, संघर्ष है। एक्सट्रीम हीट होती है तो डेथ, बहुत सारी जो है हार्ट रिलेटेड बीमारियां लोगों पर हो सकती हैं। और जो अगर जटिल या कठिन तरह की मौसमी दशाएं हैं तो वो सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को ही नहीं बल्कि उसकी मानसिक क्षमता को भी हानि पहुंचाती है। आपने सुना होगा ना हीट वेव्स, उनके चलते कितने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। साइक्लोन सब किसके चलते बढ़ गए हैं, प्रवृत्ति बारंबारता किसके चलते, जलवायु परिवर्तन के चलते, तो वहां लोगों की मृत्यु हो रही है। कुछ ही समय में अत्यधिक वर्षा हो जाना, उत्तराखंड इत्यादि का एग्जाम्पल हमारे पास है, तो बाढ़ जैसी दशाएं उनके चलते भी क्या हो रहा है, मृत्यु हो रही है या जीवन को या जान माल को क्षति पहुंच रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जो है ये कैसे बढ़ेगी। एक्चुअली तापमान में कुछ, तापमान बढ़ने से ठीक है, कुछ जो बैक्टर हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपने जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वैसे भी वो रोगों के प्रति
अधिक वनरेबल तरह के क्षेत्र हैं। क्यों है? क्योंकि वहां पर ह्यूमिड तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, आर्द्रता है। अब वहां पर आप सोचिए कि टेम्परेचर और बढ़ गया, तो ये जो वेक्टर जनित बीमारियां पहले भी थी, इनका प्रभाव और तेजी से इन क्षेत्रों में होने लगेगा। क्योंकि ये जो कुछ वेक्टर्स होते हैं, इनकी जो करेक्टरिस्टिक है वो है ये बढ़े हुए टेम्परेचर और ह्यूमिड दशाओं में कंपेरेटिवली ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं। इसका सिंपल रीजन यही है। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शहरी तापमान परिवर्तन होगा। ठीक है, इसमें एक ही चीज समझने की है, अर्बन हीट आइलैंड। सूखा और पानी की कमी तो हम देख ही रहे हैं। तटीय समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, तो तटीय क्षेत्रों में जो शहर हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बाढ़ हो सकती है, और लास्ट तो यही है, नगरीय उष्मादीप। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रभावित हो जाएगी सबसे पहले तो। ठीक है, आजीविका प्रभावित हो जाएगी, भूमि को क्षति हो सकती है, लोग माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कृषि सही नहीं हो पा रही, क्लाइमेट चेंज हो गया सब, तो आजीविका का प्रमुख स्रोत था, तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से कहाँ जाएंगे? शहरी क्षेत्रों की तरफ जाएंगे। और जो है अलग अलग तरह की चीजें, उतना वैलिड पॉइंट नहीं है, समझ नहीं आया मुझे भी, तो इसको आप लोग भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अर्बन हीटलैंड इफेक्ट कैसे होता है, सिर्फ समझने का इसमें यही था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं, तो कांच की ग्लास भरी, और वहां पे मतलब जैसे ग्रीन कॉन्सेप्ट अपनाए नहीं जाते ज्यादातर। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि कंक्रीट और सीमेंट के टीले बन गए हैं जो गर्मी अवशोषित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कंक्रीट जो सरफेस है शहरी क्षेत्रों में, वो किसकी बनी हुई है? कंक्रीट की बनी हुई है, जो उष्मा को अवशोषित करता है। दूसरी चीज, शहरी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। अब जो पार्थिव विकिरण के माध्यम से उष्मा वापस जाती है, वो उन्हीं बिल्डिंग्स के तहत ट्रैप होकर रह जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो शहरी क्षेत्र है उनमें तुलनात्मक रूप से तापमान है वो बढ़ गया है। यहां पर दिया क्या क्या हुआ वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए, हीट रिलीज फ्रॉम फैक्ट्री वगैरह से तो जो निकल रहा है निकल ही रहा है। दूसरा, आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके साथ एयर कंडीशन जो है एसी वगैरह, यहां से हीट निकली, फैक्ट्रीज से हीट निकली। ठीक है, सरफेस से जो एवेपोरेशन हो सकता था वो कम हो गया, कंक्रीट के चलते उष्मा का अवशोषण अधिक हो गया। ठीक है, सरफेस से जो ऊपर जा सकती थी हीट वो नहीं जा पाती, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग भवनों के बीच वो ट्रैप होकर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं जो विकिरण था उसका अवशोषण बढ़ गया है, और जो बाह्य अंतरिक्ष में जा सकती थी वो कम हो गई है। तो अलग अलग कारणों से फाइनल आउटकम क्या है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां की वायु का तापमान आस पास वाले जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में अधिक देखने को मिलता है, और इसी कंसेप्ट को हीट आइलैंड का कंसेप्ट या अर्बन हीट आइलैंड कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, इसको लेकर आप देखोगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। रिपोर्ट का नाम है भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आंकलन। अब इसमें से हर एक चीज आपको नहीं पढ़नी है, मोटा मोटा 5-6 फैक्ट्स हैं जिनको आपको अंडरलाइन कर लेना है। इस रिपोर्ट का क्या कहना है कि 1901 से 2008 के बीच भारत के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 0.7 डिग्री सेल्सियस। वैश्विक स्तर पर हम कितनी वृद्धि बता रहे हैं? लगभग अभी तक 1.1 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा अनुमान है कि वृद्धि हो चुकी है औद्योगिक स्तर से, और भारत के संदर्भ में हमने कितना देखा है? 0.7 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, समुद्री जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है? पहले तो समुद्र के तापमान, तो उष्णकटिबंधीय जो हमारा हिंद महासागर है उसके तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। वैश्विक समुद्र स्तर पर समुद्र के स्तर में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है जल स्तर में? हिमालय ग्लेशियर का पिघलना। लेकिन जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है उसमें अभी मैंने बताया था मेन कारण क्या बताया गया है? तापीय प्रसार। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बस एक बार रफ, हर एक फैक्ट हमें याद नहीं रखना।
1950 से 2015 के दौरान स्थानीय भारी वर्षा की आवृत्तियों में वृद्धि हुई है, बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं, 6 से 7 दशकों में सूखा प्रभावित क्षेत्र हमारा बड़ा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और समुद्री सतह का जो तापमान है ये भी आपस में जुड़े हुए हैं कि जितना समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है उतना ही साइक्लोन्स की तीव्रता बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, हिंदुकुश हिमालय में 4-5 दशकों में बर्फबारी और हिमनद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गिरावट आई है और इसको हिंदुकुश क्षेत्र, उसको हम क्या कहते हैं, तीसरा ध्रुव, थर्ड पोल। ठीक है, यही सारी बातें बताई गई, इसमें सिर्फ फैक्ट 2-3 ही थे कि कितना भारतीय क्षेत्र और हिंद महासागरीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि हुई है, बाकी तो सारे सिंपल पॉइंट है जो आपको वैसे भी कहीं भी पूछे तो हम क्या देख रहे हैं, सूखा और बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि हुई है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई है, तो ये सारे ही बेसिक सी बातें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो आई थिंक यही था ये वाला जो QRM है इसमें। अगर इसमें आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो कौन कौन सी चीजें आपके अनुसार प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो अर्बन हीट आइलैंड का जो कंसेप्ट है वो प्रभाव हमेशा जरूरी रहेंगे क्योंकि UPSC कभी भी इधर उधर घुमाकर क्या है क्लाइमेट चेंज के प्रभाव आपसे पूछ सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी जो है, पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, महासागरों पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ये वाला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट था, और कौन से प्राकृतिक कारण हैं और कौन से मानव जनित कारण हैं जो किसको बढ़ा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहे हैं। अब एक छोटा सा हिस्सा इसमें रह गया था ओजोन के संबंध में, उसको ओपन कीजिए। इसमें आप देखोगे 2-3 चीजें आपको कवर करवाई गई हैं, एक तो ये है कि कैसे जो है ओजोन का निर्माण या ओजोन का क्षरण होता है, इसके अलावा और क्या क्या इसमें बताया गया, जरा देखिए पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कैसे कंपैरेटिवली आर्कटिक क्षेत्र में या एंटार्क्टिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र कहाँ बनता है, एंटार्क्टिका, तो ये बताया गया है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो एंटार्क्टिका क्षेत्र में ओजोन होल को जन्म देती है, यही 2-3 आइडिया हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। फिर ये भी बताया गया कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन से हैं। चलिए सबसे पहले ओजोन को लेकर हमारा कौन सा कन्वेंशन है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने प्रोटोकॉल नहीं कन्वेंशन पूछा था, तो वियना कन्वेंशन और उसके तहत हमने किस प्रोटोकॉल की व्यवस्था की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की व्यवस्था की। क्यों हम ओजोन को लेकर इतने चिंतित रहे, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, अगर वो धरातल तक पहुंचती हैं तो मानव वनस्पति जीव समुदाय, ठीक है, या भौतिक चीजों तक को क्षति पहुंचा सकती है। लेकिन हम देख क्या रहे थे कि पिछले कुछ समय में जब ये वियना कन्वेंशन आता है, ओजोन छिद्र एंटार्क्टिका क्षेत्र में हमें देखने को मिला। ओजोन छिद्र क्या है, क्या ऐसा कुछ है कि ओजोन की परत है वो पूरी गायब हो जाती है, हाँ पतली हो जाती है ना, उसकी मोटाई कम हो जाती है। अच्छा, ओजोन की मोटाई को मापने की जो यूनिट है वो क्या है, डॉब्सन यूनिट, ठीक है, तो उसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है वायुमंडल में, समताप मंडल में मैक्सिमम ये घटनाएं चलती हैं, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है, सिंपल O2+O, तो एक स्वतंत्र ऑक्सीजन का एटम जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ही, तो किसका निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यौगिक पदार्थ सब्सटेंस जो है सबताप मंडल तक पहुंच रहे हैं, जहां पर जाकर ये सारे सब्सटेंस क्या कर रहे हैं कि अंततः ओजोन का क्षय कर रहे हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य हैं, यौगिकों की निर्मुक्ति को ओजोन परत के क्षरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब CFCs एक बार वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाने के पश्चात वायुमंडलीय गैसों के साथ मिश्रित होकर कहां पहुंच जा रहे हैं, समताप मंडल में, समताप मंडल में ये शक्तिशाली पराबैंगनी विकिरणों से विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलकों को निर्मुक्त कर देते हैं, बेसिकली इनसे क्लोरीन निकलता है और क्लोरीन फिर लगातार ओजोन के साथ अंतक्रिया करके ओजोन का विघटन करता है। ये मैं बताऊंगी कैसे करता है, अभी रुकिए, आप पहले ये देख लीजिए ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन से हैं,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल फ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे ही हैं जो अंत तक इसको क्षति पहुंचाते हैं, ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं। एक बार ये भी आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल तरह की इन्फॉर्मेशन है कि इनमें से कौन से जो सब्सटेंस है उसको जन्म देने के पीछे कौन सी गतिविधियां हैं। जो समझने का पार्ट है यहां पर वो ये है कि कैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में और उसमें भी मुख्यतः एंटार्क्टिका में ओजोन छिद्र बनता है। कोई बताना चाहेगा, थोड़ा भी क्ल्यू है? पोलर वर्टिक्स, इसके अलावा एल्विडो में प्रभाव होने के कारण भी इसकी पोलर, बिल्कुल, स्ट्रेटोस्फीयर जो क्लाउड है, पीएससी जिसे कहते हैं, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल प्लस पोलर वर्टिक्स, ये सारी चीजें मिलकर अंततः एंटार्क्टिका क्षेत्र को कंपैरेटिवली ज्यादा ओजोन क्षरण की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचा देते हैं ये देखना। सबसे पहले ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है ये क्या काम करते हैं, ये जो क्लोरीन की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, जो सीएफसी वगैरह का एक यौगिक है जो समताप मंडल तक पहुंच जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो पदार्थ है वायुमंडल में मिश्रण चलता रहता है और निचले वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर तक पहुंच जाते हैं। अब कुछ संभावित प्रश्न होंगे कि ऊपर वाली लेयर तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र सारे क्षेत्रों में है, फिर एंटार्क्टिका में क्यों? उसका जवाब मैं अभी देती हूँ, पहले पूरी प्रोसेस समझना, ठीक है? अब आप समझिए कि ये सारे पदार्थ पहुंच गए हैं ऊपरी लेयर तक, समताप मंडलीय क्षेत्रों तक ये पहुंच गए हैं। समताप मंडलीय क्षेत्र में और उसमें भी मुख्यतः जो पोलर वाले ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। ये क्लाउड क्यों बनते हैं? एक्चुअली ये क्लाउड्स तभी बन सकते हैं जब तापमान अत्यधिक कम हो, लगभग तापमान -80 डिग्री के आसपास जब होता है तब ये क्लाउड्स बनते हैं। और ऐसा तापमान कहाँ हो सकता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है? तो इसलिए बाकी क्षेत्रों में ओजोन क्षेत्र की परिघटना उतनी चर्चित नहीं है जितना कि ध्रुवीय क्षेत्र और उसमें भी मुख्यतः एंटार्क्टिका। तो सबसे पहले ये क्लाउड क्या करते हैं कि इनकी सतह पर जो क्लोरीन के अणु है वो टिक जाते हैं। तो ये क्लोरीन के जो अणु है उनको बेस देते हैं, उनके लिए आधार का काम करते हैं। जब तक ये आधार का काम नहीं करेंगे तब तक क्लोरीन अणु जो है निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में नहीं आ सकते। इसलिए जो ध्रुवीय क्षेत्र है, चूंकि उन्हीं क्षेत्रों में टेम्परेचर इतना कम होता है, शुष्कता की स्थिति होने के बावजूद भी टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि फिर भी वहां पर कुछ बादल बन जाते हैं, और इन्हीं बादलों को हम पीएससी या पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहते हैं। अब एक प्रश्न जो बड़े पते का है कि आखिर एंटार्क्टिका में ही क्यों है ना, आर्कटिक वाले क्षेत्र में क्यों नहीं? इसका सिंपल सा कारण है, आप एक जो है डायग्राम है जो काफी प्रचलित है कभी वो देखना, आप पाएंगे कि जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है उसमें ठीक है टेम्परेचर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक तो जाता है, लेकिन सिर्फ बहुत ही कम दिनों की अवधि के लिए टेम्परेचर इतना कम हो पाता है। आप देखोगे जो एंटार्क्टिका यानी ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत लंबे समय तक, लंबी अवधि तक टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और कारण जैसा कि पीछे से बताया था, लैंड और ओशियन का डिवीजन, वहां पर लैंड के चलते वो ऊष्मा को ज्यादा ट्रैप करके रख रहे ना, हीट प्रभाव होता है, स्थलीय क्षेत्र जल्दी से गर्म हो जाते हैं, तो उसके चलते टेम्परेचर यहाँ पर इतना कम लंबे समय तक नहीं रहता जितना कि यहाँ महासागरीय प्रभाव के चलते लंबे समय तक टेम्परेचर ऐसा बना रहता है। तो लंबे समय तक यहाँ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स है वो बने रहते हैं, और टेम्परेचर कम पहुंचाने के पीछे जो फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल है उसे हम क्या कहते हैं? पोलर वर्टिक्स। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इस तरह की जो है स्थिति पोलर क्षेत्रों में बन जाती है। क्षेत्र क्या है? निम्न दाब और निम्न ताप का एक क्षेत्र होता है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम जाता है दोनों क्षेत्रों में, लेकिन पोलर वर्टिक्स यहाँ अधिक सक्रिय होता है, यहाँ पर टेम्परेचर उसमें ज्यादा कम जाता है एंटार्क्टिका में, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनते हैं। अब इन बादलों की सतह पर फाइनली क्या होता है? क्लोरीन के अणु अपना बेस बनाते हैं।
अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि एंटार्क्टिका में भी, लेकिन शीत ऋतु में ओजोन की परत सबसे पतली नहीं होती, बल्कि शीत के बाद क्या आता है, वसंत ना, उस ऋतु में वहां पर ये जो परत है ओजोन की वो सबसे पतली होती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है फाइनली ये एक्टिव हो पाए और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर पाए, इस हेतु इसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता बनती है ना, चाहिए होती है। तो क्लाउड मिले उन पर सतह अपना आधार बनाए, और जैसे ही शीत ऋतु के जाते ही थोड़ा थोड़ा जो है सूर्यताप प्राप्त होना प्रारंभ होता है तो ये जो क्लोरीन है ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन ओजोन के साथ इनकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। कैसे तोड़ते हैं, क्लोरीन का एक अणु O3 से रिएक्ट किया और वहां से ओजोन का एक एटम निकाल लिया, ठीक है, फिर दूसरे के साथ रिएक्ट किया एक और निकालकर, क्लोरीन जो है उन दोनों को छोड़कर फिर से स्वतंत्र हो जाता है क्लोरीन, और फिर से नया जो ओजोन का अणु है उसके साथ फिर से वो इसी तरह का संपर्क बनाता है, और आप देखोगे कि वो बार बार ओजोन को तोड़ता है और ओजोन को तोड़कर जो ऑक्सीजन का एक एटम लिया उसे छोड़ देता है, फिर से फ्री हो जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक क्लोरीन का अणु सैकड़ों वर्ष तक लगभग जो है ओजोन को तोड़ता रहता है, उसको जो है डाइल्यूट करता रहता है, तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया काम करती है। इसलिए कभी भी कोई पूछे कि क्यों ऐसा है कि बाकी क्षेत्रों में नहीं, तो इस तरह की विशेष तरह की कंडीशन एंटार्क्टिका क्षेत्र में ही बनती है जिसके चलते पूरी प्रक्रिया संपादित होती है, ठीक है। और क्यों फिर अगर टेम्परेचर नीचे जाना ही कारण है तो क्यों नहीं फिर शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में क्यों सबसे ज्यादा ओजोन पतला होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि पूरी कंडीशन तो शीत ऋतु में बन जाती है लेकिन सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है अंत में सारे प्रक्रम को संपादित करने के लिए, तो वो फिर वसंत ऋतु में ही आता है शीत के बाद, इसलिए पूरा प्रक्रम चलता है। तो ये पूरा फिनोमिना है जो यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आगे आप देखोगे एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, अगर ओजोन का क्षय होता है तो क्या क्या प्रभाव होगा। देखिए सबसे पहले सिंपल यही बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज क्यों, क्योंकि यूवीबी रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस तक पोलर वर्टिक्स, देखिए ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा पोलर वर्टिक्स कि ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों तरफ देखिए इस तरह का एक सर्कुलर तरह की स्थिति जो है बन जाती है, ठीक है, इसी को पोलर वर्टिक्स कहते हैं। अब ये जो ध्रुवीय स्थिति है ये करती क्या है कि इन क्षेत्रों की जो वायु है इसको बाकी क्षेत्र की जो वायु है उससे मिलने नहीं देती, क्योंकि ये सर्कुलर वे में मूवमेंट यहाँ पर चलता रहता है, जिसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर तो आपको पता है कम है ही, ठीक है, लेकिन उस टेम्परेचर के कम होने के चलते ये क्षेत्र जो है वो ठंडा होता है, लेकिन लगातार वायु यहाँ पर मूव करती रहती है तो इसके चलते यहाँ पर एक लो प्रेशर टाइप जोन बन जाता है। तो लो प्रेशर अत्यधिक ठंड वाला जोन, क्योंकि इस वर्टिक्स के चलते ये बन जाता है पूरा, यहाँ की वायु यहाँ से मिश्रित नहीं हो पाती तो यहाँ का जो उष्ण प्रभाव है यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, तो इसके चलते जो है मिश्रण नहीं हो पाता, तो अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक घूमने के चलते लो प्रेशर जैसी कंडीशन ध्रुवीय क्षेत्रों में बन जाती है, इसी को पोलर वर्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर होना चाहिए लेकिन गतिक कारणों के चलते वहां पर प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यही सारे कि किस तरह से जो है पूरा प्रक्रिया ओजोन के चलते ह्यूमन हेल्थ को, पेंट, प्लास्टिक, रबर, इस तरह की जो चीजें हैं, फूड चेन को, आई को डैमेज कर सकती हैं, इम्यूनिटी को इफेक्ट करती हैं, एनवायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, और आपको पता है स्किन कैंसर तो बहुत फेमस है तो उसको भी इफेक्ट करती हैं, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी इत्यादि है उसको भी प्रभावित कर देती हैं। अच्छा क्या यूवी रेज जेनेटिक्स को भी प्रभावित करती हैं, उनमें जेनेटिक्स अनुवांशिक जो है बदलाव की क्षमता भी होती है। तो ओजोन के बारे में यही दिया हुआ था कि कौन सी गैसेज हैं, ठीक है, कौन से सब्सटेंस है जो ओजोन को क्षति पहुंचाती है, तो सभी को सुझाव है कि एक बार उनकी लिस्ट अच्छे से आप लोग देख लेंगे, और साथ ही कौन से कारण है, बाकी ओजोन का क्या प्रभाव है, ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों एंटार्क्टिका क्षेत्र पर ओजोन छिद्र बनता है, ये सारी बातें आपको बता दी गई है। ओजोन छिद्र बनने की जो परिघटना उसको काफी हद तक हमने नियंत्रण भी कर लिया है, इसीलिए
मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसको अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से जो हमने टारगेट रखा था उसको काफी हद तक हमने अचीव भी किया है। और आई थिंक अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो विश्व के सारे ही देश हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हिस्सेदारी रखते हैं, तो सार्वभौमिक समर्थन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मिला हुआ है। तो ये QRM था किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। अब इसी की कंटिन्यूएशन में, क्योंकि दोनों साथ ही हम देखेंगे, तो दूसरा QRM क्या है, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज।